एक जमाना था जब राजा महाराजा हुआ करते थे और उस जमाने में हम लोग रानियों का हठ योग सुनते थे कि रानी नाराज हो गई और राजा से उन्होंने वो काम कराकर ही माना, दम लिया। आजकल राजनीतिक दलों में भी ऐसे ही नेता हैं जिनका हठ योग चर्चा में है, खास तौर से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के टिकटों को लेकर जो घमासान मचा हुआ है, उसमें मुरादाबाद और रामपुर में आजम खान के हठ योग के चलते समाजवादी पार्टी की बड़ी किरकिरी हुई। रामपुर में 3 सपा के लोगों ने नामांकन कर दिया, मुरादाबाद में सिटिंग सांसद का टिकट काटना पड़ा, वो भी नामांकन कर आए थे, फिर उनके बाद दूसरा नामांकन हुआ रुचि वीरा का, और आखिरकार ये राजनीतिक ड्रामा 2 दिन चलता रहा और अंत में सिटिंग सांसद का टिकट कट गया और आजम खां की पसंद रुचि वीरा को समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बनाना पड़ा। ये सिफारिश मानी जाती है कि आजम खां की थी, लेकिन रामपुर में आजम खां की सिफारिश नहीं मानी गई और मौलाना मोहिबुल्ला नदवी को दिल्ली से लखनऊ बुलाकर टिकट दिया गया और फिर चार्टर प्लेन से लखनऊ से उनको रामपुर नामांकन करने के लिए भेजा गया। तो समाजवादी पार्टी के टिकटों में जो बदलाव हुआ, जो असमंजस की स्थिति बनी, वो साफ है कि आजम खां की वजह से बनी। वैसे आजम खां की ताकत का अंदाज़ा जेल से लोगों को लग गया है, लेकिन ये देश में दूसरा ऐसा उदाहरण है कि जब कोई राजनेता जेल से बैठकर अपनी पार्टी और सरकार चला रहा है। पहला केजरीवाल थे और दूसरा आजम खां बन गए, जिन्होंने एक दिन में कई बार टिकट बदलवाया। तो ये भी एक अपना एक अलग तरह का उदाहरण है, लेकिन आजम खां की ताकत इतनी ज़्यादा है कि उनके एक संदेश पर वर्तमान सांसद का टिकट कट गया। सपा में ये हाई वोल्टेज ड्रामा चर्चा का विषय बना हुआ है। विधानसभा के चुनाव में भी ऐसी स्थिति बनी थी जब कई बार टिकट देकर ऐन मौके पर बदले गए, फिर दूसरी बार बदले गए, फिर तीसरी बार बदले गए। ये स्थितियां समाजवादी पार्टी में विधानसभा के समय से चली आ रही हैं। उसके बावजूद लोकसभा के चुनाव में उससे सबक नहीं लिया गया। आजम खान जेल में जरूर बंद हैं, लेकिन उनका प्रभाव इस इलाके में और पार्टी पर कम नहीं है। आसिम रजा जो पिछला लोकसभा का उपचुनाव लड़े थे आजम खां के सदस्यता जाने के बाद, उन्होंने भी पर्चा खरीदा, नामांकन किया, लेकिन इस बार उनको मौका नहीं मिल पाया। एक बड़ी बात और सवाल हमेशा ये पैदा होता रहा कि आखिर नामांकन के आखिरी दिन ऐसी नौबत क्यों आती है कि टिकट वितरण में जो नामांकन कर चुका हो उसका टिकट काट कर किसी नए को दिया जाता है और नए के पास वहां तक पहुंचने की स्थिति ना हो तो चार्टर प्लेन से भेजा जाता है। अब ताज़ा मामला नोएडा का भी चल रहा है, वहां भी तीसरी बार टिकट बदल दिया गया। मेरठ का चल रहा है, वहां भी टिकट कट गया। कहीं ऐसा ना हो कि नदवी की तरह फिर लखनऊ से एक प्लेन उड़ाया जाए और जाकर नामांकन करना पड़े। ऐसे रहा तो कुछ दिन में कार्यकर्ताओं को टिकट के साथ साथ चार्टर प्लेन का भी इंतजाम एक अनिवार्य रूप से रखना पड़ेगा, क्योंकि 3 बजे से पहले अगर पहुंच के नामांकन करना है तो आखिरी दिन उनको अगर 12 बजे 11 बजे टिकट मिलेगी तो हवाई जहाज़ के अलावा पहुंचने कोई रास्ता नहीं है। समाजवादी पार्टी में ये घमासान उन सीटों पर है जहां पर वो जीत की स्थिति में है, जहां पर वो जीत हासिल कर सकते हैं या जीते हुए हैं। ऐसे में वहाँ पर कार्यकर्ताओं में असमंजस पैदा होना, मतदाताओं में गलत संदेश जाना ठीक नहीं है। अभी 2 चरण के ही टिकटों का वितरण हो रहा है, 5 चरण और बचेंगे। अच्छा ये होगा कि वक्त रहते समाजवादी पार्टी इस कसरत पर, इस व्यवस्था पर, इस बदलाव पर रोक लगावे, इस प्रैक्टिस को ख़त्म करे। जिसको टिकट मिले फिर बदले ना, सोच समझ कर दिया जाए, जिससे कि पार्टी को लोग गंभीरता से लें, ये नहीं कि एक नामांकन कराया कल दूसरा बदलवा ले।
इससे कार्यकर्ता और कैंडिडेट दोनों का मनोबल गिरता है।